खदान के काले पत्थर किसानों के लिए बने मुसीबत। 20-20 किलो के पत्थर आसमान से गिरने पर ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। संबंधित अधिकारियों को कई बार की शिकायत, लेकिन नतीजा रहा सिफर। खेतों को खदान के ब्लास्टिंग से हो रहा है भारी नुकसान। शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाने की मिल रही है धमकी। जी हां, शहर से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव में ग्रामवासी अवैध खदान के ब्लास्टिंग से परेशान हैं। खदान में हो रही ब्लास्टिंग से कई बार दुर्घटना हो चुकी है। ग्रामीणों के अनुसार खदान की ब्लास्टिंग से 500 मीटर दूरी तक काले पत्थर उछलकर आसपास के खेतों में गिरते हैं। पूर्व में कई बार कलेक्टर, एसपी और खनिज विभाग में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता को झूठा मुकदमा लगाने व जान से मारने की धमकी मिल रही है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब ये है कि ये खदान चलाता है, इसको बड़ी ब्लास्टिंग करता है, इसकी उसको परमिशन नहीं है। और ये साहब मैंने अभी खेत खरीदा है, मैंने और मेरे रिश्तेदारों ने, तो मैं साहब यहाँ पर आता हूँ तो साहब बड़ी ब्लास्टिंग करते हैं। साहब मैं इसमें कोठरिया बनाना चाहता था। मैंने कहा चलो इसकी देख रेख बनी रहेगी, खेती की किसानी करते रहेंगे। तो साहब मैंने कोठरिया बनाने का जैसे ही मैंने वो लगाया, खंडे मंडे मेरे आ गए, तो साहब मुझे मतलब मारने की वो दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। आपने पूर्व में कोई शिकायत? हाँ, मैंने पूर्व में भी शिकायत की थी, दो बार शिकायत कराया मैं खनिज विभाग में, तो आप तक कोई सुनवाई नहीं है मेरी। और मैं साहब मैं वो गोविंद शर्मा जी हैं कोई यहाँ पे, मैं उनको आज भी दे करके आया हूँ और मेरे पास रिसीव रखी हुई है। क्या क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से, क्या कह रहे हैं वो? क्या कहते हैं साहब, नहीं देखेंगे साहब मतलब, और बड़ी ब्लास्ट नहीं करने देंगे। और साहब मैंने जब कोटरिया का नंबर लगाया बनाने का, तो साहब मुझसे कह रहे हैं कि तुमने यहाँ पर लग्गा लगाया तो हम तुम्हें मतलब झूठे केस में अंदर करा देंगे। कहाँ से निवासी हो? जांगरपुर से। क्या समस्या भाई? हमारी खेती बगल से लगी हुई है, तो उसमें बड़े बड़े काफ़ी बड़े बड़े 50-50 किलो के पत्थर हमारे खेतों में गिरते हैं। किसकी खदान है ये? खदान बल्ला करार की। नहीं, किस चीज़ की खदान है, क्या क्या निकलता है इसमें? काला पत्थर निकलता। तो क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हमारे खेतों में बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, आप जाकर देखिए, बहुत बड़े बड़े पत्थर, 20 किलो कम, 30 किलो, 50 किलो, उससे फसल में नुकसान होता है और मानते हैं नहीं है। आपने कभी शिकायत करी इसके पूर्व? नहीं, हमने तो नहीं की। अब क्यों ना करा तो मैंने ना करी, कुछ सुनता ही नहीं है ना, कोई सुनता ही नहीं है ना। संचालक को इसके बाद बताइए कि हमें नुकसान हो रहा है भाई, बताइए बताइए। तो क्या कह रहे हैं खदान संचालक का? मान ली 2-3 सालों चली बंद हो जाएगी। आपकी मतलब कोई मुआवजे देने को तैयार नहीं है? नहीं, कोई मुआवजा नहीं है और कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। बड़े बड़े पत्थर डरे हैं, या तो खेती हमें छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा, उन्हीं तो खेती कर नहीं पाएंगे। लगभग अभी तक खदान के चक्कर में खेती में कितना नुकसान हो चुका है? कम से कम पूरा ही है, कम से कम पूरा ही है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, उसमें धूल जम रही है।